गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले मध्यकालीन इतिहास पर, यह हमारा तीसरा टॉपिक होगा, यानी कि सीरीज नंबर थर्ड। और आज का टॉपिक होगा इल्तुतमिश। इससे पहली वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे पहले गौरी गजनवी के बारे में वीडियो बना चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश, देखना, दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक सुल्तान भी था। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स होंगे इल्तुतमिश के लिए, एक तो उपाधियाँ कौन कौन सी थी और इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक इसमें चालीसा का गठन किया गया था जिसको तुर्काने चहलगामी या तुर्काने चहलगानी, जो तुर्क के सरदारों का एक संगठन बनाया था। और एक मुद्रा जारी की गई थी जीतल और टंका, और स्थापत्य कला थी, कुछ दिल्ली में किला बनाया था और ये बदायूं में और राजस्थान में भी इनकी कुछ स्थापत्य कला बनाई गई थी। उन सब के बारे में बहुत ही डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उपाधि से। देखना, इल्तुतमिश की उपाधि कौन कौन सी थी। एक तो अमीरे उमरा, अमीरुल उमरा उपाधि, और एक उपाधि सुल्तान आजम। वैसे सुल्तान की जो उपाधि थी सुल्तान आजम, ये बगदाद के खलीफा यानी कि बगदाद के जो शासक थे उन्होंने ये जारी की थी, यानी कि मुंतजिर बिल्ला, बगदाद के खलीफा मुंतजिर बिल्ला ने इनको एक खिलवत जारी किया था। खिलत भी बोलते हैं या खिलवत बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक मानपत्र भेजा जाएगा, उसमें कुछ आभूषण होंगे, वस्त्र होगी, जैसे राजा की वेशभूषा होती है विशेष यूनिफॉर्म, और एक छत्र होता है राजा के लिए वो, और एक मानपत्र, उसमें यानी कि मान्यता जो दी जाएगी, ये सब होते हैं शामिल। तो खिलत कहाँ से प्राप्त की गई थी, ये बगदाद के शासक यानी कि बगदाद के खलीफा मुंतजिर बिल्ला नाम था, तो सुल्तान की उपाधि वहाँ से। और ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था भारत में। इससे पहले जो शासक हुए हैं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह, उनके पास सुल्तान की उपाधि नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सुल्तान के स्थान पर एक मलिक और सिपे सालार की उपाधि धारण की थी। तो इल्तुतमिश का शासनकाल क्या रहेगा, 1211 से 1236 तक। हमने पहले क्या पढ़ा, दिल्ली सुल्तनत में 5 वंश थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो अभी ये गुलाम वंश का दूसरा चैप्टर है। पहले में हमने क्या पढ़ा, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अयोग्य पुत्र था जिसका नाम आराम शाह था। सन 1210 में एक युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, वो था जुद का युद्ध। जुद के युद्ध में 1210 में आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जो राजधानी लगती थी ये लाहौर, एक लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की थी, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान है ना। 2-3 पॉइंट एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था या वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी इल्तुतमिश। मान्यता कहाँ से प्राप्त हुई थी, जो बगदाद के शासक थे या शाह थे वहाँ के, नाम क्या आता है, मुंतजिर बिल्ला ने एक खिलवत जारी की थी और इस खिलवत में अधिकार पत्र, वस्त्र और आभूषण शामिल थे, ये जारी किया गया था। और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी प्रारंभ में। वो ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ पर तैनात था, कहाँ पर नियुक्ति थी, बदायूं में सूबेदार के पद पर, जानते हैं सूबेदार जो गवर्नर होते हैं ना, जैसे राज्यपाल है ना, चीफ कमांडर भी बोल सकते हैं सूबेदार या गवर्नर। आज की डेट में अगर सूबेदार की कंपेयर करें तो गवर्नर से राज्यपाल से की जाती है, संवैधानिक हमारा पद एक राज्यपाल उसमें। तो ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार या बदायूं का गवर्नर, और बदायूं दिल्ली भी इसी में आता है, जैसे वेस्टर्न यूपी होगा और दिल्ली, उसमें बागपत का कुछ क्षेत्र, ये बदायूं जो ये था एक राज्य प्रांत कहिए उसके अंतर्गत था बदायूं का सूबेदार। और दिल्ली का वास्तविक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान भी कहा था एक इतिहासकार हैं ईश्वरी चंद, ईश्वरी प्रसाद ने इनको एक कहा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। राजधानी अपनी लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली परिवर्तित करने वाला, और दिल्ली का एक नाम दिया था इसमें हजरते दिल्ली, हजरते दिल्ली नाम दिया गया। ये किसने, इल्तुतमिश ने। युद्ध के युद्ध में किसको हराया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को, जो आराम शाह था वो अयोग्य था। करीब उसने 7 या 8 महीने तक वो शासक रहा है, उसके बाद में युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना। दासता से मुक्ति, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दासता से मुक्ति। देखना, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था और गुलामी से या दासता से सबसे पहले मुक्ति मिली थी सन 1206 में, जब यहाँ पर यानी कि मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया था और वो खोखरों के अभियान था। तो खोखर अभियान पर जाते हुए एक
इसमें विशेष योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति मिली थी। तो क्वेश्चन है कि दासता से मुक्ति कब मिली? खोखर अभियान के दौरान। ये कहाँ पर? अफगानिस्तान जाते हुए बामियान का एक क्षेत्र पड़ेगा। बामियान के जो कबीले थे या पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर खोखर जनजाति रहती थी, है ना, जाट जनजाति भी उसको बोलते थे। तो वहाँ से ये विशेष जो साहस था युद्ध में, उससे प्रभावित होकर दासता से मुक्त किया गया। और खिलत जारी करने वाला कौन था? बगदाद के खलीफा मुंतजिर बिल्ला के नाम, ये इन्होंने खिलत जारी की और इस खिलत में अधिकार पत्र और वस्त्र आभूषण दिए गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ही इल्तुतमिश को अपने कुछ शत्रुओं का सामना करना पड़ा, यानी कि जो उसके शत्रु थे, दुश्मन थे। एक तो इसमें शामिल थे यालदूज, ये कहाँ थे? गजनी राज्य। नंबर दो कुबाचाई, पंजाब और सिंध में। और एक था इसमें अली मर्दान, लखनौती, लखनौती क्षेत्र पड़ेगा है इसमें पश्चिम बंगाल में। लखनौती वो अपने बारे में समझना, एक यहाँ भी लखनौती है। अच्छा, एक चंगेज खां का विद्रोह, चंगेज खां का विद्रोह, ये कहाँ पर? मंगोलिया में, जो चीन से लगा हुआ है, गोभी का रेगिस्तान, गोभी का पठार भी एक प्लेटू, मंगोलिया। ये वहाँ का एक कबीलाई राजा था और इसने जनजाति लोगों को मिलाकर एक विशाल सेना बनाई थी जो कबीले से संबंधित थी। अच्छा, चंगेज खां का तेमुचिन वास्तविक नाम था। और एक यहाँ अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था, पिर्थू जो यहाँ पर उसने नए मुसलमान जो बने थे उनकी हत्या कर दी थी, लगभग 120,000 मुसलमानों की हत्या। तो इसका बदला लेने के लिए यहाँ पर दमन किया गया पिर्थू का और बाद में फिर उसका वध कर दिया। तो इनके बारे में और चर्चा करते हैं। देखना मैप दिखाया गया इंडिया का, इसमें ईरान से जैसे कुछ शत्रु थे, है ना, ईरान, मंगोलिया ने ईरान पर आक्रमण किया था और यहाँ के शाह को हराया था। और एक गजनी के जो यहाँ के शासक थे सूबेदार, सिंध और पंजाब और बंगाल अली मर्दान। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? यालदूज, यालदूज या यालदूज एक ही नाम है, है ना। गजनी राज्य, इसके साथ में एक तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तराइन के तीन युद्ध हुए, 1191 में, 1192 में और एक सन 1215 में तराइन का युद्ध था। तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यालदूज को हराया था, है ना, और इस पर कब्जा कर लिया था अपना। दूसरा एक कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा किस क्षेत्र में था? पंजाब और सिंध। ये जो पंजाब और सिंध का क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है ना, सिंध अभी पाकिस्तान में चला गया है। एक यहाँ के स्थानीय सूबेदार थे यानी कि नासरुद्दीन कुबाचा, वो दिल्ली की तरफ बढ़े साम्राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत। तो इसको रिसिस्ट किया गया था, इसका विरोध किया। और यहाँ पर मंसूरा के युद्ध में, नाम क्या स्थान का? मंसूरा, मंसूरा के युद्ध में इसको हराया गया और ये फिर अपनी जान बचाकर सिंधु नदी में कूदा था। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी में किसने जंप किया था, कौन कूदा था उसमें जान बचाकर? तो कौन था वो? नासरुद्दीन कुबाचा। युद्ध का नाम क्या था? मंसूरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अली मर्दान, अली मर्दान ये लखनौती पश्चिम बंगाल में था, तो इसमें खास ऐसे युद्ध का नाम नहीं है। इसको भी पराजित करके और वहां अपनी सीमा निर्धारित किया, यानी कि एक्सपेंशन वहां तक किया अपने साम्राज्य का। आगे ये इंपॉर्टेंट है, चंगेज खां। देखना जो चंगेज खां, चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन, तेमुचिन इसका वास्तविक नाम था। और इसने कबीलों से अपनी सेना संगठित की थी और इसके बाद में मंगोलिया से, ये भारत के आउटर क्षेत्र से होते हुए ईरान में, इसने ईरान के शाह को हराया था। ईरान के शाह का क्या नाम था शासक का? जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह, जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह को हराया। बाद में इसका पुत्र कौन सा? जलालुद्दीन का पुत्र जलालुद्दीन मांग बर्नी, जलालुद्दीन मांग बढ़नी नाम है ना, कभी मांग बढ़नी समझ रहे हैं जलालुद्दीन मांग बढ़नी। तो जलालुद्दीन मांग बढ़नी सैनिक सहायता लेने के लिए ये भारत में आता है, लेकिन भारत में जैसे इल्तुतमिश से मिलता है, इल्तुतमिश ने सैनिक सहायता देने से मना किया इसको। क्यों? अगर हम इसको सैनिक सहायता देते, यानी कि जलालुद्दीन मांग बढ़नी को, तो मंगोलीय आक्रमणकारी तैमूर लंकी, ये सॉरी चंगेज खां की हमारी ये प्रत्यक्ष रूप से उससे दुश्मनी हो जाती। तो यहाँ पर एक अपनी चतुराई का परिचय दिया, ये इसकी युद्ध नीति में शामिल नहीं थे कि आउटर व्यक्ति को, किसी को हम सैनिक सहायता नहीं देंगे, वरना ये जो मंगोलिया का आक्रमण था ये सब हमारे ऊपर आ जाता था। तो यहाँ पर क्या किया? मांग बढ़नी को सैनिक सहायता देने से मना किया। एक क्या होता है? पिर्थू का विद्रोह। पिर्थू कहाँ? अवध में। तो अवध में एक विद्रोह हुआ था उसी समय और यहाँ पर लगभग 120,000 मुस्लिमों का कत्ल किया था। इसका ये दमन करके इस राज्य को अपने में मिला लिया, जो बनारस का, अवध का या फिर ये बागपत का जो क्षेत्र पड़ता है, ये सब अवध में आ जाएगा। अंतिम अभियान क्या था इल्तुतमिश का?
अंतिम अभियान सन 1236 में, ये बामियान अफगानिस्तान का जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है ये वहीं पर अभियान करने के लिए वहाँ पर खोखरों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन इसके बीमारी हो जाती है वहाँ पर कुछ रास्ते में, जैसे बीमार पड़ा और जैसे काफ़ी सिकनेस आई। फिर ये दिल्ली जब वापस आया तो दिल्ली में आकर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। फिर इसको दिल्ली में ही दफनाया जाता है और इसकी जो वास्तविक कब्र है उसमें तो ज्येष्ठ पुत्र दफन है, तो वो भी दिल्ली में है। एक सुल्तानगढ़ी का किला बनाया था जिसको मकबरे में चेंज किया गया था, फिर वो मकबरा भी है। खैर, इल्तुतमिश के जो विभिन्न कार्य हैं अभी उन पर चर्चा करते हैं। आप चाहे तो तब तक इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इल्तुतमिश के अन्य कार्य, तो इल्तुतमिश के अन्य कार्यों में हम सबसे पहले करते हैं मुद्रा प्रणाली। एक मुद्रा प्रणाली में इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था। ये ऐसे अब तक के प्रथम शासक थे जिसने अपने सिक्कों पर किसी मिंट का टकसाल का नाम लिखा। तो मुद्रा प्रणाली, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और टकसाल का नाम भी, जैसे आज की डेट में होता है ना सिक्कों पर लिखा हुआ है तो भारत सरकार या जोन सी मिंट का जो भी नाम होगा, तो मिंट जैसे हमारी बनी हुई है नोएडा में, जैसे हमारी मुद्रा प्रणाली पर बैंक का आरबीआई का नाम लिखा होता है, टकसाल का नाम होता लिखा हुआ। तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम इल्तुतमिश। इसने दो बहुत ही प्रचलित सिक्के जारी किए, एक तो चांदी का टंका और एक तांबे का जीतल। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन लगभग 125 इसका ग्राम वजन निकलता है उस टाइम पर, ये वजन का ये इकाई हुआ करती थी, यूनिट है ना तोलने के लिए। तो 175 ग्रेन का चांदी का टंका, क्वेश्चन आता है कि टंका किस धातु का बना था? चांदी का बना हुआ था। लेकिन बाद के जो परवर्ती शासक हुए हैं बलबन या फिर सिकंदर लोधी, बलबन ने इसे सोने का बनाया और सिकंदर लोधी ने तांबे का। ये सोने और तांबे के भी जारी किए गए, लेकिन जब इनिशियली रूप में अपने प्रारंभिक चरणों में ये किसका? चांदी का बना होता था और तांबे का जीतल था। ये दोनों ही बहुत ही प्रचलित थे, यानी कि ये आम लेन देन में ये प्रयोग हुआ करते थे। इन पर चित्र भी बने थे, किस किस के चित्र, यानी कि जो डिपिक्ट या पिक्टोरी बनाई गई थी। एक तो लिखा था शक्तिशाली सम्राट, हालांकि ये अरबी या तुर्की भाषा में था लेकिन उसमें मजमून ये निकलता है, अर्थ उसका अनुवाद शक्तिशाली सम्राट, एक तो ये अंकित था, और एक तेजस्वी सूर्य, उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है। तीसरा इसमें विजय इल्तुतमिश, यानी कि जो इसने काफ़ी विजय प्राप्त की थी, इल्तुतमिश को विजय करता हुआ दिखाया गया है। और शिव और नंदी के चित्र युक्त इसमें सिक्के थे, ये पहले से ही भारत में प्रचलन में थे लेकिन इल्तुतमिश ने जारी रखे ये भी शिव नंदी के। आगे इसमें चौहान या राजपूताना घुड़सवार, सिक्कों पर कुछ घुड़सवार दिखाए गए हैं, ये इसमें लिखावट या चित्र अंकित होते थे। तो एक बार और देखिएगा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था, ये बहुत ही उपयोग में आने वाली दोनों मुद्राएं थी, और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और टकसाल का नाम उन पर अंकित करवाया था। एक क्वेश्चन जीके में अदर आया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, आगे देखते हैं एकता प्रणाली है ना। एकता प्रणाली क्या थी? क्वेश्चन था कि इल्तुतमिश का जो राजस्व विभाग है, यानी कि इसमें राजस्व व्यवस्था रिवेन्यू सिस्टम, वो किस पर आधारित था? एकता प्रणाली पर। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, है ना, जैसे हमारी तहसील होती है तो ये क्या है कि एकता है। और तहसील का क्या होता है? तहसीलदार वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करता है, जैसे एक राजस्व अधिकारी होता है उसके अधीन, फिर लेखपाल होते हैं, अमीन होते हैं, वो सब क्या उसका लगान वसूलते हैं। और लगान वसूल कर कहाँ, जब पूरे ज़िले का हो जाएगा ये डीएम साहब के पास चला जाएगा, यानी कि उस जबान में उसको कहेंगे हम कौन, ये सॉरी कलेक्टर, कलेक्टर या समाहर्ता। ऐसे ही एकता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का छोटा टुकड़ा। और एक एकता का इक्तेदार होता था, जैसे तहसील का तहसीलदार, तो एकता का इक्तेदार, और इक्तेदार को ही मुक्ता भी कहते हैं। और ये हमें कहाँ से इसका स्रोत पता चलता है कि ऐसा एकता को बांटा गया था? एक किताब लिखी गई सियासतनामा, ये तुसी ने लिखी है, तुसी एक लेखक हैं इनके समकालीन ये इल्तुतमिश के। तो इसमें नाम तो काफ़ी बड़ा है, उसमें हारून बिन अली तुसी ऐसा कुछ कहें, एक लास्ट हम टाइटल याद रखेंगे तुसी। तुसी ने किताब कौन सी लिखी? सियासतनामा। सियासतनामा में एकता प्रणाली का सभी उल्लेख दिया गया है। और एकता का ही क्या होता था? इक्तदार। उन्हें भूमि का छोटा टुकड़ा देते जिससे राजस्व वसूलना, उनका लगान वसूलना ये कार्य रहता था। और इनके वेतन के रूप में भी एकताएँ भूमि वितरित की जाती थी। आगे देखिएगा आप, न्याय व्यवस्था है ना, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम इल्तुतमिश के शासनकाल में बहुत ही सरल था और ये बहुत ही प्रोमिनेंट था। एक प्रमुख था, क्या था उसमें,
कि सुल्तान का जो न्याय था वो सर्वोपरि था, सबसे अंतिम फरियाद यानी कि अंतिम निवेदन कहाँ किया जा सकता है, सुल्तान की कोर्ट में या दरबार में। और महल के द्वार पर ही दो शेर, संगमरमर की दो स्टेचू बनाई गई थी शेर की, उनके गले में घंटी बांधी गई थी, जो भी वो घंटी बजाएगा लाल वस्त्र पहन के। इसका क्या मीनिंग था कि वो न्याय की फरियाद चाहता है, वो पीड़ित व्यक्ति, उसको न्याय चाहिए, तो तुरंत उसको कोई न्याय या कोई ये जो भी उसकी मांग ऐसी हुआ करती थी वो मुहैया कराई जाती थी। तो सुल्तान का न्याय सर्वोपरि था। और काजी उल कुजात जैसे एक अधिकारी होता है, आज की डेट में हम जज बोल सकते हैं, न्यायाधीश बोल सकते हैं, ये एक अधिकारी भी होता था, ये सब सुल्तान के अधीन होते थे, उससे छोटे। अमीर दाद, ये भी न्याय व्यवस्था को कहा गया अमीर दाद, ये भी एक पदाधिकारी था अमीर दाद, ये काजी उल कुजात, ये काजी से भी छोटा होता था। तो ये सब न्याय व्यवस्था देखते थे, और उस टाइम जो निर्णय दिए जाते थे ये कुरान या हदीस में लिखे गए नियमों के आधार पर होते थे। आगे बढ़ते हैं। तुर्कान चहलगामी क्या था? तुर्क सरदारों का, ये 40 सरदारों का एक समूह बनाया था, जिससे सैनिक सहायता भी प्राप्त की गई थी, और इनको विभिन्न ओहदे पर नियुक्त किया गया था, विभिन्न पदों पर। तुर्कान चहलगामी या चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। और इसका दमन किसने किया, किसने रिमूव किया था? ये बलबन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कान चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की। तुर्कान चहलगामी का पतन किसने किया, रिमूवल नष्ट किसने किया? बलबन ने किया। आगे इसमें कितने सरदार थे? 40। तो 40 तुर्की सरदारों या अमीरों, अमीर को बोलते हैं नोबिलिटी, जो दरबार में रहेंगे, है ना, अमीर का मतलब धनी लोगों से नहीं है, अमीर जो दरबार में रहेंगे या सरदार कह सकते हैं, चीफ। 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था, जिनसे सैनिक सहायता या सहयोग प्राप्त करता था इल्तुतमिश, यानी कि अगर कहीं पर युद्ध होना है, जैसे आपको अभी बताया कि चंगेज खां, उसका जो पुत्र था, ये सैनिक सहायता लेने के लिए आया था, लेकिन तुर्क सरदारों ने मना किया था, तो ये इल्तुतमिश ने बहुत ही एक सोच समझ से कार्य किया कि उनको सैनिक सहायता नहीं दी, वरना क्या होता कि वो हमारे ऊपर लड़ाई आ जाती है, या युद्ध हमें करना पड़ता, जबकि वो ईरान के साथ में उसकी लड़ाई थी। तो एक तो सहयोग भी मिलता था और सैनिक सहायता देते थे, इसके बदले क्या था, जो तुर्क सरदार थे वहाँ उनको ऊँचे पदों पर आसीन करना पड़ता था, ज़्यादातर जो इख्तदार थे तुर्क सरदार थे, और जो कमांडर बनते थे, चीफ कमांडर, उन्हें भी यही बनाते थे। इल्तुतमिश ने अपना वजीर जो नियुक्त किया था, निजामुद्दीन जुनेदी, कहीं पर ये बुक में लिखा हुआ है निजामुल मुल्क जुनेदी, आप एक टाइटल याद रखिएगा जुनेदी। जुनेदी को क्या किया गया था, वजीर के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आइए अब देखते हैं इल्तुतमिश की स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट इल्तुतमिश ने कौन कौन सी इमारतें या कौन से ऐसे स्थल और ये बनवाए, नगर बनवाए थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का कार्य ही पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रारंभ में इसमें 4 मंजिलें बननी थी, है ना, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डीपली इस पर चर्चा की हुई है। तो ये फाउंडेशन रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, चूँकि 400 मंजिल बननी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में केवल एक ही मंजिल इसकी बनी थी, चौगान खेलते हुए लाहौर में डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो शेष 3 मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार पर प्राकृतिक बिजली गिर जाती है, तो 4th फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर उसकी डैमेज हो जाती है, उसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 इमारतें बनवाई, यानी कि टोटल कितनी हुई नंबर ऑफ फ्लोर्स इसमें? 5 मंजिला। और बाद में सिकंदर लोदी ने, अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड ने उसकी मरम्मत कराई थी, यानी कि 5 लोगों का उसका योगदान है, पिछले आप वीडियो देख सकते हैं इसके लिए, बहुत अच्छी बनी हुई है। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। दूसरा, नासिरी मदरसा, पुत्र की स्मृति में, जो इनके पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई थी, तो अपने पुत्र की याद में दिल्ली में एक मदरसा स्थापित किया था, नाम क्या था? नासिरी मदरसा। एक मदरसाए मुज्जी मोहम्मद गोरी की याद में, मोहम्मद गोरी की स्मृति में बनवाया था मदरसाए मुज्जी। 2 तो मदरसे बने थे। अच्छा जी, एक दिल्ली में मस्जिद का निर्माण करवाया था, हालांकि जामा मस्जिद का जो निर्माण वो बदायूं में करवाया था, तो दिल्ली में एक मस्जिद बनाई थी। इससे आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसमें और ये इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन को दफनाया गया था, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, बाद में फिर महल में परिवर्तित किया गया था। एक आता है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, अतारकिन दरवाज़ा है ना, या अतारकिन का किला, ये राजस्थान जोधपुर में बनवाया गया था। अतारकिन का, ये कहाँ पर है? राजस्थान का एक ज़िला है जोधपुर, तो अतारकिन का किला वहाँ पर बनवाया गया, दरवाज़ा बनवाया गया। बदायूं में 3 स्थापत्य कला वास्तुकला बनवाई, कौन कौन सी?
एक तो होजे शमसी, होजे शमसी है ना, जैसे ये शमसी वंश भी अपना लिखते थे इल्तुतमिस या तो इलबरी वंश, क्योंकि इलबरी तो एक जनजाति थी, ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे, इलबरी भी अपने आप को लिखते तो जनजाति यानी कि एक इसके स्थानीय जो वहाँ की ये होगा क्षेत्र। और दूसरा शमसी अपने नाम में शमसी वंश के थे, तो क्या लगाया कि मैं होजे शमसी यानी कि जो तालाब पोंड बनाया वहाँ पर, ये बदायूं में। और एक शमसी ईदगाह बनवाई थी, ये भी बदायूं में उत्तर प्रदेश में। और एक बदायूं की जामा मस्जिद, ये क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं परीक्षा में कि जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया, इल्तुतमिश ने बदायूं में किया था। तो ये इल्तुतमिश की कुछ महत्वपूर्ण वास्तु स्थापत्य कला है। और मुद्रा प्रणाली भी इम्पोर्टेंट है, इकता प्रणाली और चालीसा के तुर्कानी चहलगामी, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्याय व्यवस्था की एक न्याय व्यवस्था में बल्कि ये पढ़ेंगे कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, वो जहांगीर ने बनवाई थी मुगलों में, लेकिन जो दो शेर बनवाए थे अपने महल के गेट पर जो संगमरमर के बने थे, ये इल्तुतमिश ने बनवाए थे, इनकी घंटी बजाते थे न्याय पाने के लिए। तो ये इल्तुतमिश का यही एक महत्वपूर्ण कार्य थे, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।